नमस्कार, वीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एसेलियस लिक्विड और कास्टिक सोडा को बहुत ज़्यादा मिलाया था। जैसे एसेलियस लिक्विड में हमने कास्टिक सोडा बहुत ज़्यादा मिलाया था, तो इस तरीके का लिक्विड बना है। देखिए, अब हम इसका यूज कहाँ पर कर सकते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बनाए आपके पास तुरंत पहुंच सके। सबसे पहले तो हम इसका पीएच चेक करेंगे कि कितना इसका पीएच है। उसके बाद हम इसे फ्लोर क्लीनर बना सकते हैं और लिक्विड डिटर्जेंट में भी हम यूज कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम यही करेंगे। सबसे पहले हम एक ले लेंगे पीएच पेपर और अब हम इसका पीएच पहले चेक करेंगे कि कितना इसका बता रहा है। देखिए, इसका पीएच बहुत ज़्यादा बता रहा है, क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा कास्टिक सोडा ऐड किया है। समझ में आ गया? तो इसका पीएच लाजमी बात है कि बहुत ज़्यादा बताएगा। इसे भी हम चेक करेंगे, यह भी देखिए बहुत ज़्यादा बता रहा है। तो अब हमें सबसे पहले तो इसका पीएच सही करना पड़ेगा, तभी यह हम यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो अब इसका पीएच सही करने के लिए हमें इसमें एसिड इसलरी ऐड करना होगा, जिससे यह न्यूट्रलाइज हो। तो हम इसमें थोड़ा सा एसिड इसलरी ऐड करेंगे। और थोड़ा सा हम साल्ट ऐड करेंगे। अब एक बार हम फिर इसका पीएच चेक करेंगे, देखते हैं अब क्या बता रहा है। तो अब यह आप देख सकते हैं थोड़ा कम हुआ है। इस समय यह 12 बता रहा है, 12 12 मतलब, समझ गए? थोड़ा और हम एसिड इसलरी ऐड करेंगे। अब हम एक बार और पीएच चेक करेंगे। अब भी ये देखिए 12 ही बता रहा है। इसका असल में हमने कास्टिक सोडा इसमें बहुत ज़्यादा ऐड किया था, इसी की वजह से इसका पीएच कम नहीं हो पा रहा है। थोड़ा हम ज़्यादा मात्रा में साल्ट ऐड करके देखते हैं कि साल्ट से हम कुछ पीएच कम कर सकते हैं कि नहीं।
देखिए अभी भी इसका पीएच 12 ही बता रहा है, तो इसका मतलब यह मान लीजिए कि अगर हम रॉ मटेरियल कोई भी अगर ज़्यादा ऐड कर देते हैं, थोड़ा बहुत अगर रहेगा तब तो वह पीएच मेंटेन हो सकता है, लेकिन अगर हमने कोई रॉ मटेरियल ज़्यादा ऐड कर दिया, जैसे मान लीजिए कास्टिक सोडा हो गया या एसिडिक सल्फ्यूरिक हो गया, यही दो रॉ मटेरियल ऐसा होता है जिसका पीएच बहुत ज़्यादा होता है और इसे हम कम नहीं कर सकते, समझ में आ गया। तो अगर बाय चांस मान लीजिए आपका अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब हो गया है तो आप इसे फ्लोर क्लीनर में यूज कर सकते हैं, समझ में आ गया। जैसे आप मान लीजिए फ्लोर क्लीनर बना रहे हैं, तो आप अगर मान लीजिए आप 100 kg का बना रहे हैं, तो आपको उसमें एसिडिक सल्फ्यूरिक अगर 4 kg, 5 kg, मतलब 10 kg जितना भी आपको ऐड करना है, तो अब मान लीजिए आपको 10 kg एसिडिक सल्फ्यूरिक ऐड करना है, फ्लोर क्लीनर बना रहे हैं 100 kg, तो उसमें आप मात्र 4 से 5 kg ही एसिडिक सल्फ्यूरिक ऐड करें और जो भी आपका प्रोडक्ट ख़राब हो गया है उसे आप उसमें यूज कर सकते हैं, समझ में आ गया। अब मान लीजिए लिक्विड डिटर्जेंट अगर आपका फट गया है तो आप उसे क्या करेंगे, उसे आप 2 से 3 दिन के लिए रख देंगे, तो उसके नीचे हुआ जितना भी एसिडिक सल्फ्यूरिक का रहेगा फटा हुआ, जैसे मान लीजिए लिक्विड डिटर्जेंट अगर आप बना रहे हैं फट गया है, तो आप उसे 2 से 3 दिन के लिए नीचे जब रख देंगे तो उसके नीचे बैठ जाएगा और वो आपका एक सादा एसेलियस लिक्विड के जैसा, मतलब एसेलियस लिक्विड की तरह आपका एक लिक्विड मिल जाएगा और उसे आप आसानी से यूज कर सकते हो। उसमें एक क्लिनिक और सफा मतलब फोम दोनों का वो बढ़िया काम करेगा, समझ में आ गया। तो आप इसी तरीके से कोई भी देखिए, अगर आप मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें अगर कुछ ख़राब हो जाता है, जैसे मान लीजिए आप अगर बेकरी का काम करते हैं तो उसमें आप अगर जैसे ब्रेड बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं, तो उसमें अगर आपका ख़राब हो गया तो आपका सारा माल ख़राब हो गया प्रोडक्ट। लेकिन इस लाइन में जैसे आप कोई भी अगर क्लिनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसमें आपका कोई भी प्रोडक्ट अगर ख़राब हो गया तब भी आप उसका यूज कर सकते हैं। अब यह मान लीजिए देखिए यह समय फट गया है, आप देख पा रहे हैं, तो इसे जब मैं 2 से 3 दिन के लिए रख दूँगा ऐसे ही, इसे थोड़ा सा भी हिलाना नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही आपको रख देना है, तो जितना भी फटा हुआ है रॉ मटेरियल वो नीचे बैठ जाएगा और यह आपको एकदम एसेलियस लिक्विड जैसे यह लिक्विड है इसी तरह से आपको मिल जाएगा, तो आप उसे का यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों को इस चैनल पर बढ़िया से बढ़िया जानकारी मिलता है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, समझ में आ गया। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई वीडियो ना आपके पास तुरंत पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।